will mark low pressure area over east central Bay of Bengal. Today it has intensified into a depression at 5:30 hours IST of 22nd October, and it is laying over east central Bay of Bengal, and it is around 730 kilometers southeast of Paradip, 770 kilometers south southeast of Sagar Island, and 740 kilometers south southeast of Khepupura, that is in Bangladesh. And it is very likely to move west northwestward and intensify into a cyclonic storm by 23rd October over east central Bay of Bengal. Thereafter also it is likely to continue to move northwestward and intensify into a severe cyclonic storm over northwest Bay of Bengal by morning of 24th October and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island during night of 24th and morning of 25th October as a severe cyclonic storm. At that time, wind speed will be around 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. इवैक्यूएशन प्लान जो भी हमारा वल्नरेबल लोग हैं या फिर जैसे प्रेग्नेंट वीमेन विद 2 weeks ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इन सब लोगों को प्रेग्नेंट वीमेन विद 2 weeks ऑफ डिलीवरी हम लोग नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में हम इनको शिफ्ट करेंगे, एवं जो वल्नरेबल लोग हैं उनको हम साइक्लोन शेल्टर्स में मूव करने के लिए प्लान रेडी हो चुका है हमारा. इसके साथ साथ हम साइक्लोन के बाद इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कैसे हम रोड्स एवं इलेक्ट्रिकल लाइंस जल्दी से जल्दी हम रिस्टोर करें एवं फंक्शनल करें, इसके लिए भी हमारा फुल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है. हमारा जो मशीका जो है उन लोग को सबको हमने अवेयरनेस कर लिया है, और जितना बोट गए थे फिशिंग के लिए उसको सबको बुला लिए फोन पर, वो सब आ गए, अभी कोई भी अंदर नहीं है बोट. और आज भी हम एक मीटिंग कर रहा हूँ 3:30 बजे जो कि ये साइक्लोन के बारे में अवेयरनेस करने के लिए. इसमें ओनली विलेज का जो हेड जो है वो 100 लोग के लिए एक मीटिंग कर रहा हूँ. इसमें पूरी पौरपालिका का रहेंगे और पूरी पुलिस प्रशासन रहेंगे और हमारा
नेवी भी आ रहा है, कोस्ट